हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर प्रैक्टिस एट 43 एक्सटेंशन एजुकेशन। इन दिस सेशन वी विल कवर 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अभी कल प्रीवियस ईयर में जो हमारा मॉक टेस्ट हुआ था, तो उसका सॉल्यूशन मैं डाल रहा हूँ, जिसमें 75 क्वेश्चन कम्युनिकेशन के हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको सुनील बीजी या किसी अदर बुक में ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये खुद के क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा आज का है वो क्वेश्चन है द इंट्रैक्शन बिटवीन ए टीचर एंड स्टूडेंट क्रिएट ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। तो जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो क्रिएट होता है वो डेवलपमेंट क्रिएट करता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द स्पेटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन इन क्लास कैन रिड्यूस द स्टूडेंट। तो जो स्पेटियल ऑडियो रिप्रोडक्शन होता है वो क्लास में क्या रिड्यूस करता है, वो कॉग्निटिव लोड अंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड इसेंशियली बी। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है वो एम्पैथेटिक होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, ए गुड कम्युनिकेटर बिगेन हिज हर प्रेजेंटेशन विद ए एन। तो जो गुड कम्युनिकेशन होता है वो आइस ब्रेकर की तरह अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है छोटे छोटे वर्डों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी इनहेंस बाई। तो इसको हम लोग इस्टेब्लिश ए व्यू पॉइंट, एक व्यू पॉइंट जब हम लोग इस्टेब्लिश करते हैं, जो ओवरऑल हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं, उसका पहले एक हैंडआउट दे देते हैं, तो उससे जो क्लासरूम में है वो मैसेज उसकी प्रोबेबिलिटी है रिसेप्शन की ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्री सपोजेज। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो किसका, अंडरस्टैंडिंग का होता है, प्री सपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, वेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्रेडिक्टरी इट इज सेड दैट मोस्ट पीपुल बिलीव इन। तो करेक्ट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा सेवन का, वो नॉन वर्बल मैसेज हो जाएगा। नेक्स्ट एट क्वेश्चन क्या है, द टिपिकल फीचर ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिच क्लासरूम लेक्चर इज इन नेचर ऑफ बींग। तो फैक्चुअल का नेचर इसका होता है। नेक्स्ट नाइन क्वेश्चन, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज ड्राइवन प्रॉप। तो जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन होता है वो इनकोडर की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। टेंथ, पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन लीड टू। तो पॉजिटिव क्लासरूम जो होता है वो पर्सुएशन क्रिएट करता है, इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन सबको पता है। नेक्स्ट इलेवन, क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ। तो क्लासरूम जो कम्युनिकेशन का बेसिस है वो सोशल आइडेंटिटी, ये ऑप्शन हो जाएगा इलेवंथ का। नेक्स्ट ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट मैसेज रिसेप्शन बाय द स्टूडेंट इन द क्लासरूम आर रिफर्ड टू एज। तो जो ट्वेल्थ का आंसर होगा वो हमारा डी हो जाएगा, नोटिस। नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन क्या है, ए टीचर इन ए क्लासरूम हिज इमीडिएट कंट्रोल ओवर। तो टीचर जो होता है वो क्लासरूम में किस पे इमीडिएट कंट्रोल करता है, वो करता है सेल्फ सेलेक्टेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेज पे। तो कौन कौन से मेथड यूज कर रहा है वो और मैसेज क्या है उस पे कंट्रोल रहता है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू कम्युनिकेटेड वर्ड्स कैरी इन ए क्लासरूम सिचुएशन। जो 14 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पावर स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन क्या है, एज ए गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर यू आर सपोज टू नो योर। तो एक गुड क्लासरूम कम्युनिकेटर होने की वजह से आप क्या सब कुछ करेंगे, पहला हमारा ऑडियंस इमोशंस हो गया, साइलेंट क्यूज हो गया, आर्टिफुल पॉजेस हो गया, काउंटर आर्गूमेंट्स हो गया। तो जो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा वो आर्टिफुल पॉजेस आप करेंगे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन क्या है, फिगर आउट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ए क्लासरूम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो हमारा हो जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन, काइनेसिस एंड पर्सनल स्पेस। तो काइनेसिस जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया ये भी बॉडी लैंग्वेज, काइनेसिस बॉडी लैंग्वेज हो गया, और पर्सनल स्पेस हो गया ये भी बॉडी स्पेस हो गया। नॉन वर्बल आते हैं प्रॉक्सिमिक्स जो होता है उससे हम लोग बॉडी स्पेस क्रिएट करते हैं, फिजिकल स्पेस। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फैक्टर ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग। को कौन सा जो है वो बेसिक फैक्टर जो लिसनिंग को इफेक्ट डालता है, वो हमारा आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट ऑफ थॉट, रिफ्लेक्शन एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, डी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन क्या है, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर इज इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर। तो 18 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी हो गया, यूटिलिटी हो गया, लोनलेस हो गया, ए ऑप्शन। देन 19 क्वेश्चन, एवरी कम्युनिकेशन हैड टू एक्सपीरियंस। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट हो गया। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन क्या है, एज ए टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेशर इन द क्लासरूम। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश पोस्टर। एंड 21 क्वेश्चन जो हमारा है, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ट सीटेड एंड नॉर्मली इम्प्लॉयड इन ए सच कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्क कर रहे हैं
और वहाँ पे सेम लेवल पे आपको जो यूज करना है कम्युनिकेशन, तो सिंपल सी बात, वो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो जाएगा, वर्टिकल में हायर, लोअर से हायर की तरफ जाता है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ए टीचर हैज टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ व्हाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट इन ए क्लासरूम। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो वॉइस मॉड्यूलेशन, बी ऑप्शन। देन 23 क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो 23 का फर्स्ट, मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल एंड कमेंट्स ऑफ कंसल्टेशन, इसका ए ऑप्शन। देन 24 क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कॉमा पंक्चुएशन इज द बिगिनिंग ऑफ ए डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडिया इज रिफर्ड टू एज। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइंड मैपिंग। देन 25 क्वेश्चन, एस्पेक्ट ऑफ वॉइस अदर देन स्पेस आर नोन एज। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम पैरा लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन क्या है, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। देन 27 क्वेश्चन, एटीट्यूड एक्शन एंड एप्रीहेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एज। तो एटीट्यूड हो गया, एक्शन हो गया, ये किसमें कंसीडर किया जाता है, ये कंसीडर हमारा किया जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। देन 28, मोस्ट ऑफन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज। तो टीचर और स्टूडेंट के कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, तो वो हमारा बोला जाता है यूटिलिटेरियन। 29 क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ए क्लासरूम ए कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय। तो क्लासरूम में ट्रस्ट लेवल डिटरमाइंड किया जाता है, वो आई कॉन्टेक्ट से डिटरमाइंड किया जाता है। देन 30 क्वेश्चन, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम विच ऑफ दी फॉलोइंग। तो 30 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, सेकेंड एंड फोर्थ। इसमें सेकेंड हमारा क्या, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड से करेंगे, देन सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, इससे हम लोग कम्युनिकेशन का जो इफेक्टिवनेस है उसको मेजर करेंगे। देन 31 क्वेश्चन, एसर्टेन ए फॉर्मल कम्युनिकेशन टीन टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। रीजन क्या है इसका, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज करेक्ट। देन 32 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो 32 का है वो डी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चारों सही है इसमें। देन 33, द टर्म ग्रेपवाइन इज ऑल्सो नोन है। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का जो सेकंड नेम है उसको किस नेम से जाना जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें र्यूमर टाइप का एक मैसेज ट्रांसफर किया जाता है। देन 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वन वे ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, सी। देन 35, इन ए कम्युनिकेशन द लैंग्वेज इज। तो 35 का वर्बल कोड। देन 36 क्वेश्चन, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व सिंगल सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड। तो 36 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, मास कम्युनिकेशन में मैक्सिमम ऑडियंस को कवर करते हैं लिमिटेड टाइम में। देन 37 क्या है, ए स्मार्ट क्लासरूम इज ए टीचिंग स्पेस विच हैज। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब सही है। देन 38 का, द टर्म येलो जनरली रिफर टू। तो येलो जनरली में क्या होता है, जो करेक्ट ऑप्शन हमारा 38 का होगा वो बी, जिसमें हम सेक्शनलिज्म एंड एक्सग्रेशन टू अट्रैक्ट रीडर एंड व्यूअर। देन 39, इन द क्लासरूम द टीचर सेंड टू मैसेज इथर एज ए वर्ड आर इमेज टू स्टूडेंट आज डेली। जो मैसेज को इमेज से ट्रांसफर किया जाता है क्लासरूम में उस टाइप को क्या बोला जाता है। 39 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डिकोड्स होता है। देन ब्रेक डाउन इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एट। 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो एंट्रोपी होता है। देन 41, द टेलीफोन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट डेवलप इन द एरिया ऑफ। तो टेलीफोन मॉडल जो कम्युनिकेशन का था वो किस, वो इन्फॉर्मेशन थ्योरी, डी ऑप्शन हो जाएगा। देन 42 क्वेश्चन क्या है, द डेटा द दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर 2013 हैज बीन कन्फर्ड ऑन। तो 2013 में किसको मिला था, वो गुलजार को मिला था। देन 43, फोटोग्राफ आर नॉट इजी टू। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, डिकोड। देन 44, द ग्रेन इन द अपीयर ऑन ए टेलीविजन सेट विच वेन ऑपरेटेड एज आल्सो रिफर टू एज। तो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फोर्थ सी, स्नो हो जाएगा। देन 45 क्वेश्चन, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द इनकोडर बिकम्स ए डिकोडर वेन देयर इज ए। तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, फीडबैक। देन 46 क्वेश्चन, यूजर हु यूज मीडिया फॉर देयर ओन एंड्स आर आइडेंटिफाइड इज। तो 46 का एक्टिव ऑडियंस बोला जाता है उसको। देन 47, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। तो 47 का इसको डिस्कोर्स बोला जाता है। देन 48 क्वेश्चन क्या है, आइडियोलॉजिकल कोड शेप आवर कलेक्टिव। तो 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो परसेप्शन हो गया। देन 49, इन कम्युनिकेशन मिथ्स हैव पावर बट आर।
तो 49 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इम्परसाइज हो गया। देन 50 क्वेश्चन क्या है हमारा, द फर्स्ट मल्टी लिंगुअल न्यूज़ एजेंसी ऑफ इंडिया, तो हिंदुस्तान समाचार इसको बोला जाता है। देन 51 क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद, तो 51 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ग्रुप कम्युनिकेशन बोला जाता है। 52 क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसीडर्ड, तो 52 का करेक्ट ऑप्शन कॉग्निटिव इसको बोला जाता है। देन 53 टेलीफोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो 53 का जो लीनियर कम्युनिकेशन है। देन 54 क्वेश्चन, मीन्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आर फॉर्मल इनफॉर्मल क्रिटिकल कॉर्पोरेट, तो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा इनफॉर्मल हो जाएगा। देन 55 कम्युनिकेशन इशूज एट द इंटरनेशनल लेवल आर एड्रेस्ड बाई, तो कम्युनिकेशन के जो इश्यू होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो इसको नोट डिनोट किया जाता है वो 55 का यूनेस्को इसको डील करता है। देन 56 क्वेश्चन, रिफ्रेंटियल फ्रेमिंग यूज बाई टीवी ऑडियंस कनेक्ट मीडिया विद, तो 56 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रियलिटी होता है। देन 57 द कम्युनिकेशन नॉलेज इन ए क्लासरूम इज कंसीडर्ड एड, तो 57 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी कल्चरल कैपिटल। 58 इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। देन 59 बंगाल गजेट द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 1785, तो 59 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जेम्स अगस्त हिकी। देन 60 क्वेश्चन क्या है, प्रेस सेंसरशिप इन इंडिया वाज इम्पोज ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो 60 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा सी इंदिरा गांधी के समय हुआ था। देन 61 कम्युनिकेशन विवा न्यू मीडिया सच एज कंप्यूटर टेलीस्कोपिंग इंटरनेट एंड मोबाइल टेलीफोन इट टर्म है, जिसको जो 61 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा इंडोटेनमेंट। देन 63 इज इम्पोर्टेंट व्हेन ए टीचर कम्युनिकेट विद हिज हर स्टूडेंट, तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा बी एम्पैथी इंपॉर्टेंट होता है। देन 64 क्वेश्चन द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड, तो कम्युनिस एंड कम्युनिशेयर होता है इसका मीनिंग, तो लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिस से। देन 65 चॉइस कल्चरल रिवोल्यूशन लीडर हु जेडोंग यूज ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टू टेक द मासेस नोन एज, तो जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 65 का वो हमारा ए हो जाएगा मास लाइन कम्युनिकेशन। देन 66 क्वेश्चन कन्वर्जिंग विद ए स्प्रिट एंड एंसेस्टर इज टर्मड एज, 66 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन उसको बोलते हैं। देन 67 द लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली न्यूज़पेपर अमंग द फॉलोइंग इज, तो जो 67 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा द टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा है। देन 68 द पायनियर ऑफ दिस साइलेंट फीचर ऑफ फिल्म इन इंडिया, जो 68 का करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी है दादा साहब फाल्के। 69 क्लासरूम कम्युनिकेशन ऑफ ए टीचर रेस्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंडोटेनमेंट। देन 70 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैन बी क्लासिफाइड एज वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, तो 70 का करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑडियो विजुअल एड डू AV8 से टू वे है प्रोसेस है ये। देन 70 MC नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन इज लोकेटेड एट, तो 71 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो भोपाल में है। देन 72 ऑल इंडिया रेडियो AIR फॉर ब्रॉडकास्टिंग वाज नेम इन द ईयर, तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 72 का वो बी हो जाएगा 1936 में, इसी को जो हमारा कन्वर्ट किया गया AIR को आकाशवाणी 1957 में किया गया था फर्स्ट टाइम पे 1927 में रेडियो का ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में स्टार्ट हुआ था। देन 73 इन द आइडिया इंडिया फॉर ब्रॉडकास्टिंग टीवी प्रोग्राम विच सिस्टम इज फॉलोड, तो जो हमारा 73 का करेक्ट ऑप्शन है वो पहल। देन 74 द टर्म DAVP स्टैंड फॉर, तो 74 का जो डी ऑप्शन हमारा डायरेक्टेड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिक सिटी। 75 एंड लास्ट क्वेश्चन द टर्म TRP एसोसिएटेड विद TV शोज स्टैंड फॉर, तो 75 का जो करेक्ट टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। सो स्टूडेंट आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो भी 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेशन में कवर किए जो कि आपको सुनील बीजे किसी अदर एक्सटेंशन की बुक में नहीं मिलेंगे, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। सेशन में एंड करता हूँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग।